हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आज हम आपके सामने कुछ स्पेशल स्क्रब के टिप्स लेकर आए हैं जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। स्पेशली जितनी सारी लेडीज अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन उससे पहले, प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो लोग आज पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को पहले से बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो पास में दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकॉन दबाओगे तो हमारे अपलोडेड सारे वीडियोज़ आपके सामने सबसे पहले होंगे। यूं तो जो लोग बाहर आप लोग रोज जाते हो, स्किन में एक एक्स्ट्रा डर्ट, एक एक्स्ट्रा मतलब गंदगी, वो तो धूल मैल वो तो जमती ही है। चाहे आप जितना भी साबुन से घिस घिस के आप जितना भी साफ करो, लेकिन अंदरूनी मैल उतनी आसानी से नहीं जाती। मैं आज कुछ घरेलू स्क्रब्स में आपको टिप में दे रही हूँ जो आप आसानी से अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। हफ्ते में एक बार करो, हफ्ते में दो बार करो तो आप कर सकते हो। सबसे पहला जो स्क्रब है, दैट इज आपके घर में जो लोग पकोड़े वगैरह खाते हैं, आई मीन टू से सभी लोग पकोड़े खाते हैं भाई, बरसात आने वाला तो ऑब्वियसली जरूर खाओगे, अगर नहीं भी खाओ तो घर में तो मौजूद रहता ही है। बेसन, आप बेसन, दूध या दूध का मलाई, थोड़ा गुलाब जल, अगर इन तीनों को एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर हफ्ते में एक बार या दो बार अपने पूरे शरीर में, अपने मुंह में, जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा गंदा लग रहा है उस सारे जगह पे अप्लाई करके 5 से 10 मिनट छोड़ दो। फिर वो जब सूख जाए, वैसे भी बेसन बहुत जल्दी ही ड्राई अप होता है, सूख जाए तो धीरे धीरे स्क्रबर से या किसी साफ कपड़े को पानी में डुबो के थोड़ा निचोड़ के हल्के से पहले रब कर लो। देखना इतना कीचड़ निकलेगा ना, इतना कीचड़ निकलेगा ना, आप खुद ही सोचेंगे बाबा मैं तो रोज़ साबुन लगाती हूँ फिर भी इतना गंदा, बाबा ही जो भी हो। तो उसके बाद आप अच्छे पानी से उसको धो लो। ये डेफिनेटली अगर आप हर हफ्ते एक से दो बार अगर आप ट्राई मारते हो तो देखना एक महीने के अंदर आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, इतना डिटैन आप रहोगे कि आप खुद ही सोचोगे भाई अब पार्लर जाना थोड़ा कम ही कर दे। नेक्स्ट, जो लोग सैंडल पाउडर इस्तेमाल करते हैं और जिनका स्किन बहुत ही ड्राई है, जैसा कि मान लो मेरा ड्राई स्किन है, तो आप लोगों के लिए एक तो स्पेशल स्क्रब जो मैं खुद भी अपने घर में लगाती हूँ। आप बाजार से किसी भी अच्छे कंपनी का सैंडल पाउडर लो, या अगर आपके घर में सैंडल का स्टोन है तो आप उससे भी पेस्ट बना सकते हो, जैसा आपको सुविधा हो। उस पाउडर के साथ या उस पेस्ट के साथ कुछ अमाउंट ऑफ गुलाब जल डाल दो। अगर मुल्तानी मिट्टी है आपके घर में तो मुल्तानी मिट्टी भी इसमें डाल सकते हो, और अगर मुल्तानी मिट्टी आप नहीं लगाते, फॉरगेट इट, कोई ज़रूरत नहीं है, चंदन, गुलाब जल, और अगर जी करे तो थोड़ा शहद इसमें मिला ही सकते हो। तीनों को मिलाकर या सिर्फ चंदन और गुलाब जल को मिला के एक तो थिक पेस्ट बना, और उस पेस्ट को अपने हर पूरे शरीर में अब इस्तेमाल करो। सैंडलवुड जिसमें ड्राइनेस रोकने के बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा सैंडलवुड उन लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है जो लोगों की स्किन में टैन थोड़ा जिद्दी हो गया है, और सैंडलवुड हमारे स्किन को फ्रेश भी रखते हैं। तो इसीलिए सैंडलवुड के साथ ये गुलाब जल का जो ये पैक है, जो ये पेस्ट है, इसको अगर आप अच्छे से अपने स्किन के ऊपर रब करते हो और इजीली जैसे वो सूख जाए तो धीरे धीरे हल्के हल्के मसाज करके उसको निकाल लो, और निकाल के ऑब्वियसली अच्छे से पानी से, सादे पानी से धो लो। पर हाँ, याद रखिए कोई भी स्क्रब करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी स्किन के डेड सेल्स खुल जाते हैं, बंद भी होते हैं, तो स्किन की गंदगी चली जाएगी, तो स्किन में एक तो खींचापन आता है ना, तो उसको प्रिवेंशन के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा वाला है मुल्तानी मिट्टी से। आप लोग जो लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, वो लोग मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा दूध मलाई, थोड़ा गुलाब जल, अगर शहद देते हो तो शहद, नहीं तो कोई भी सीजनल फ्रूट
जो आपकी स्किन को सूट करे, ऑब्वियसली चाहे वो पपीता हो सकता है, आम हो सकता है, सेब हो सकता है। सिट्रिक फ्रूट थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ स्किन्स हैं जिन स्किन्स में सिट्रिक फ्रूट नहीं जाता, तो उनके लिए स्पेशली हम जरूर बोलेंगे कि आप लोग मुल्तानी मिट्टी के साथ कोई भी एक सीजनल फ्रूट अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो मुल्तानी मिट्टी, कोई एक सीजनल फ्रूट, गुलाबचंद और दूध मलाई, इन सबको मिला के एक तो अच्छा सा पेस्ट बना के अगर हफ्ते में एक बार या दो बार आप इसको लगाने का प्रैक्टिस रखते हो, वही सेम सिस्टम सूखे तो धीरे धीरे उसको स्क्रब करते जाओ, देखना कीचड़ पूरा साफ हो जाएगा और जैसे सूखने के बाद उसके बाद उसको अच्छे सादे पानी से फ्रेश होके धो लो, तो देखना आपकी स्किन की जमी हुई सारी गंदगी, सारे मैल, पूरे धूल साफ हो जाएंगे। और धुलने के बाद आप फिर हमको ज़रूर कमेंट करना कि आपने, मैंने जो आपको जो तीन ठू स्क्रब के बारे में जो मैंने आपको बताया वो कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है आप सबके लिए। प्लीज़ डू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स क्योंकि हमको भी ये जानने को मिलेगा कि आप लोगों को मेरे दिए गए टिप्स कैसे लग रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, और या इसके अलावा आप लोग और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहते हैं तो हम लोग ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर कभी ना कभी आपके वीडियोज़ ज़रूर अपलोड करेंगे बनाकर। इसके अलावा आप सबको फिर से एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को अगर आपको हमारे दिए गए टिप्स और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब करके पास में दिया बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।